Good morning, kids. Let us start our subject mathematics. Today, in mathematics class, our topic is long and short. See, kids, there are two pencils. First pencil is short, and second pencil is long. Kids, we use the words long and short to tell the length of an object. हम लॉन्ग और शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ बताने के लिए व्हेन वी कंपेयर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर लेंथ वी गेट लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उसकी लेंथ के बेस पर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आते हैं या तो लॉन्ग या तो शॉर्ट लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल टू क्लियर दिस टॉपिक सी किड्स देयर आर टू बैट्स व्हेन वी कंपेयर द लेंथ ऑफ दिज बैट्स वी सी दैट first bat is long and second bat is short in the next picture there are two snakes first snake is long and second snake is short now i hope that you all have understood this topic of long and short see kids our next concept is long longer longest we use the word long to tell the length of an object वी यूज़ द वर्ड लॉन्गर टू टेल द लेंथ ऑफ टू ऑबजेक्ट्स वी यूज़ द वर्ड लॉन्गेस्ट टू टेल द लेंथ ऑफ थ्री और मोर ऑब्जेक्ट्स अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट लॉन्ग वर्ड हम यूज़ करते हैं बेटा किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ बताने के लिए लॉन्गर वर्ड हम यूज़ करते हैं जब हम टू ऑबजेक्ट्स की लेंथ को कम्पेयर करते हैं और लॉन्गेस्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं जब हम थ्री या थ्री से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को कम्पेयर करते हैं सो बेटा लॉन्ग मीन्स लंबा लॉन्गर मीन्स उससे भी लंबा और लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबा इन दिस पिक्चर यू कैन सी थ्री स्ट्रिप्स द फर्स्ट वन इज लॉन्ग द सेकेंड वन इज लॉन्गर एंड द थर्ड वन इज लॉन्गेस्ट सी किट्स एनदर एग्जाम्पल टू क्लियर दिस टॉपिक देर आर थ्री स्टिक्स फर्स्ट वन इज लॉन्ग सेकेंड वन इज लॉन्गर एंड थर्ड वन इज लॉन्गेस्ट हाँ जी किड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट सेम बेटा जैसे हमने लॉन्ग लौंग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट को डिस्कस किया ऐसे ही शॉर्ट शॉर्टर और डिस शॉर्टेस्ट हाँ जी बेटा शॉर्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ बताते हैं शॉर्टर वर्ड हम यूज़ करते हैं जब हम टू ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं और शॉर्टेस्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं जब हम तीन या तीन से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं नाउ देयर आर थ्री पेंसिल्स First one is short, second one is shorter, and third one is shortest. Short means beta chota, shorter means usse bhi chota, or shortest means sabse chota. See kids in this picture, there are three snakes. First one is short, second one is shorter, and third one is shortest. Now we will do revision of this topic from primary mathematics book. So open this, open your primary mathematics book. एट पेज नंबर थ्री लुक एट द स्क्रीन बेटा दिस इज पेज नंबर mathematics फ्रॉम First प्राइमरी is, बुक फर्स्ट remember लॉन्ग एट शॉर्ट अभी हमने बेटा लॉन्ग और शॉर्ट टॉपिक के बारे में सीखा नेक्स्ट heading, टेक द longer वन सी किड्स नाउ देयर इज अ पिक्चर ऑफ टू ब्रिजेस यहाँ पर बेटा दो ब्रिजेस की आपको पिक्चर्स दी गई है आपने इसमें से उस ब्रिज को टिक करना है जो कि लॉन्गर है यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं हमने दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना है तो आपने बताना है कि इन दोनों में से लॉन्गर कौन सा है जो राइट right होगा उस पर आप क्या करेंगे टिक करेंगे नेक्स्ट टिक द शॉर्टर वन अब यहाँ पर देखिए बेटा यहाँ पर भी आपने टू ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना है और इसमें आपने बताना है शॉर्टर कि दोनों में से शॉर्टर कौन सा है मतलब कि छोटा कौन सा है नेक्स्ट फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट टिक द लॉन्गेस्ट वन नाउ देयर आर थ्री सॉक्स यू विल हैव टू टिक दोंगेस्ट वन आपने टिक करना है कि इनमें से लॉन्गेस्ट सॉक्स कौन सी है नेक्स्ट टिक द शॉर्टेस्ट वन अब यहाँ पर बेटा आपने थ्री पेंसिल्स में से बताना है कि शॉर्टेस्ट वन शॉर्टेस्ट पेंसिल कौन सी है तो जो भी पेंसिल सबसे छोटी होगी वहाँ पर आप क्या करोगे उस बॉक्स के नीचे टिक करोगे लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबी और शॉर्टेस्ट मीन्स सबसे छोटी येस किट्स दिस इज नेक्स्ट पेज पेज नंबर फोर टिक द वंस हैविंग द सेम लेंथ अब यहाँ पर आपने बेटा आपको हर एक पिक्चर में थ्री ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं आपने इनकी लेंथ को कंपेयर करना है और बताना है कि कौन से टू ऑब्जेक्ट्स की लेंथ सेम है जो ऑब्जेक्ट्स की लेंथ सेम होगी उसके सामने वाले बॉक्स पर आप टिक करेंगे लुक एट द फर्स्ट पिक्चर देयर आर थ्री एरोज इस पिक्चर में कितने एरोज हैं बेटा थ्री अब आपने चेक करना है कि इनमें से किन दो एरोज की लेंथ सेम है तो देखिए किन की सेम है सेकेंड और थर्ड ये दोनों एरोस क्या हैं सेम लेंथ के तो आप सेकेंड एरो के सामने बॉक्स और थर्ड एरो के सामने जो बॉक्स है वहां पर आप टिक कर देंगे इसी तरह बेटा आपने ये पूरा पेज कंप्लीट करना है दिस इज फॉर योर होमवर्क यू विल कंप्लीट पेज नंबर थ्री एंड पेज नंबर फोर इन योर होमवर्क नाउ बाय बेटा थैंक यू